वैसे आज हम बात करेंगे इसी Realme C21 स्मार्टफोन का। ये तो बॉक्स है, आप देख सकते हैं ये रहा Realme C21 स्मार्टफोन। आपको इसी Realme C21 के टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप जरूर देखना इस वीडियो को एंड तक। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, Realme C21 स्मार्टफोन के इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में। इस तरह से हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर आना नीचे आना, यहाँ पर आपको दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा सेकंड नंबर पर डार्क मोड, यहाँ पर आपको डार्क मोड को क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। इस डार्क मोड को आप ऑन करेंगे ना तो आपका डिस्प्ले इस तरह से कलर हो जाएगा और ये आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है, इसलिए आपको डार्क मोड ऑन करना है और यूज करना है। दूसरे फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ड्रावर, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है अगर ये ऑफ है तो। ये क्या है आपको बताता हूं, अगर आपको इसको ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद मान लो कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है, लॉक स्क्रीन पर आप हैं, इस तरह से स्वाइप डाउन करने के बाद में यहां पर लॉक स्क्रीन पर सब कुछ यहां पर मैसेज बता देगा, इस तरह से आप यहां पर कर सकते हैं। तीसरे फीचर की बात करने के लिए जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाना है, सेटिंग जाने के बाद उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहां पर दिखता होगा डिस्प्ले डेटा यूजर इन नोटिफिकेशन ड्रावर, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। दूसरे नंबर पर जो फीचर आपको दिख रहा है ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बताता हूं, अब मान लो कि आप सुबह से लेकर शाम तक या सुबह से लेकर अभी तक आपने कितना डेटा यूज किया, आपने आज टुडे डेटा यूज आपको यहाँ पर बता देगा नोटिफिकेशन पैनल में। आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद में आप टुडे डेटा यूज कितना किया है। यहाँ पर चौथे फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा मैनेज नोटिफिकेशन है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले है और यहाँ पर डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब डू नॉट डिस्प्ले किया ना, अब मान लो कि आप लॉक स्क्रीन पर हैं, आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर नीट क्लीन बता देगा लॉक स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ भी आएगा नहीं। यहाँ पर ना आप कर सकते हैं डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी आप करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कौन से एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आया, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बता देगा। और यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं अभी पांचवें फीचर की, क्या करेंगे वापस जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में अगर आपको उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस पर सेटिंग में आना है और मैनेज नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, यहाँ पर इस पर भी क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। और आगे बढ़कर अब बात करते हैं छठे फीचर की। यहाँ पर छठे फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, ये बैटरी परसेंटेज अभी नहीं दिखा दे रही है। यहाँ पर आप कर सकते हैं इंसर्ट द बैटरी आइकॉन, आप करेंगे ना तो बैटरी परसेंटेज आपकी दिखाना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। बात करते हैं सातवें फीचर की, तो वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए यहां पर सेटिंग में आएंगे, इस तरह से जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहां पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। आने के बाद और आपको यहां पर दिखता होगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूं, अब मान लो कि आप सुबह मतलब आप वाईफाई कनेक्ट करके या सिम डालकर आप डेटा यूज़ कर रहे हो, आपका डेटा कितनी स्पीड चला है, कितने kbps कितने mbps आपका डेटा चला है, यहाँ पर ऊपर वो बता देगा आपका डेटा इतना स्पीड चला है बोलकर। यहाँ पर एट फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस पर सेटिंग में आना है। आने के बाद और आपको नीचे आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर डू नॉट शो भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप कर सकते हैं आइकॉन्स, आइकॉन करेंगे ना तो मान लो कि आप सुबह से मतलब सुबह से नहीं सॉरी मान लो कि आपको पांच एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो पांचों एप्लीकेशन के यहां पर आइकॉन बता देंगे आपको, यहां पर आइकॉन आप करेंगे तो आप यहां पर नोटिफिकेशन काउंट करेंगे ना तो पांच एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहां पर बस पांच बता देगा। आप आइकॉन कर लेना, यहां पर पूरी लाइन लग जाएगी पांच एप्लीकेशन से। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जितने एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं जब तक लाइन नहीं भरती तब तक वो पूरे आइकॉन बता देंगे और वो आइकॉन को देखकर पता कर सकते हैं आप इन इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए बोलकर। बात करते हैं नाइन फीचर की, वापस से क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे सेटिंग में। उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस आइकॉन है, यहाँ पर जो आइकॉन है ना, यहाँ पर जो भी ये आइकॉन है यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में, उसके यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसको यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑन ऑफ यहाँ पर फिलहाल आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर दसवें फीचर की बात करने के लिए जाएंगे वापस से सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं और डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड है ना, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सारे साउंड्स को यहाँ पर एकदम नीचे आना है। वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स है ना, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे ना तो मान लो कि आपको फॉर एग्जाम्पल कॉल आता है
तो रिंगटोन के साथ आपका स्मार्टफोन हाइब्रिड भी हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 11 फीचर की, तो क्या करेंगे, वापस से हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग, इस सेटिंग में आना है भी। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर आई कम्फर्ट है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। इस तरह से आपका डिस्प्ले का कलर चेंज हो जाएगा। इसको ऑन करना अगर आप रात में स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं तो, क्योंकि आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर बात करते हैं 12 फीचर की, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फोन पर क्लिक कर देना है। फोन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले ऑप्शंस, आपको दिखता होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चूज थीम, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, अभी लाइट आप इसको कर सकते हैं। ये सारा मतलब ये सारा फोन ही आप डार्क मोड पर है, यहाँ पर फोन वाले एप्लीकेशन को इतना ही आप यहाँ पर लाइट मोड ऑन कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 13 फीचर की, तो क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे सेटिंग में। आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस सेटिंग में आना है। आने के बाद और आपको आना नीचे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो स्क्रीन ऑफ है। यहाँ पर हमें कम से कम आप 30 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट आप कर सकते हैं। ये क्या है, स्क्रीन टाइम आउट है। आप यहाँ पर मैं कहूँ तो 15 सेकंड या 30 सेकंड कर लेना, और यहाँ पर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मान लो कि आप 30 सेकंड कर लिया तो आप कहीं भी फोन को रखें लॉक बटन दबाना भूल गए, और 30 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक को आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब लॉक इस तरह से लॉक हो जाएगा। आगे बढ़कर बात करते हैं 14 फीचर की, तो वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे इस तरह से सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है, और यहाँ पर आपको दिखता होगा यहाँ पर स्क्रीन कलर टेम्परेचर है। यहाँ पर डिफॉल्ट है, वार्म है और कूल है। आप स्क्रीन कलर टेम्परेचर को आप जैसा अच्छा लगे अपने हिसाब से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। 15 फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पर आपको दिखता होगा उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा फॉन्ट, आपको फॉन्ट पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर अलाउ कर लेना है, एग्री हो जाना है, और यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरह से एक फॉन्ट आपको इस फॉन्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी आपको फॉन्ट्स चाहिए तो आप यहाँ पर डाउनलोड करके और भी फॉन्ट्स रख सकते हैं। ये जो फॉन्ट्स है ना, ये जो फॉन्ट्स इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ ये फॉन्ट्स है ना, इसको ये स्टाइलिश वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, और भी आपको चाहिए तो यहाँ पर डाउनलोड करके आप स्टाइलिश में रख सकते हैं। 16 फीचर की बात करने के लिए वापस से हम जाएंगे सेटिंग में। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा फॉन्ट साइज है, अभी ये रहा फॉन्ट की साइज। आप यहाँ पर डिफॉल्ट है, यहाँ पर आप वेरी लार्ज भी कर सकते हैं, यहाँ पर लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको इस तरह से कर लेना। अगर आपकी आँख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो इतने बड़े आप यहाँ पर अपने फॉन्ट्स को कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी फॉन्ट्स कितने बड़े हो चुके हैं। अगर आपकी आपको ठीक से नहीं दिखता है तो आप इतना बड़ा करेंगे फॉन्ट्स को, बड़े करेंगे तो आपको ठीक से दिखाना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर फिलहाल डिफॉल्ट ही कर लेता हूँ। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं अभी 17 फीचर की। यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नहीं जाना है। यहाँ पर ये रहा डिस्प्ले साइज, आप डिस्प्ले के साइज को ही बड़ा कर सकते हैं। आप पिछले वाला फीचर बस वो फॉन्ट बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये डिस्प्ले ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप लार्ज कर सकते हैं। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, आइकॉन्स, ये सारे आइकॉन्स ही बड़े हो जाएंगे, डिस्प्ले ही बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको डिफॉल्ट किया, वापस से छोटे हो गए ना, वापस से इसको बड़ा करते हैं तो वापस से बड़े हो जाते हैं। इस तरह से आप डिस्प्ले को ही सारे आइकॉन्स सबको बड़ा कर सकते हैं। पिछले वाला फीचर हो बस फॉन्ट बड़े होते थे। 18 फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका दिखता होगा स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप पर आपको क्लिक कर लेना है। कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर जो नॉच है ना फ्रंट कैमरा, वो हेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, मतलब यहाँ पर फेसबुक, यहाँ पर हेड फ्रंट कैमरा, हेड फ्रंट कैमरा शो इन ऐप, शो ऐप इन फुल स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब इसको क्लिक करेंगे तो फेसबुक ओपन हम करेंगे तो ये नॉच हाइड हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। 19 फीचर की बात करने के लिए जाना है सेटिंग में, और आप यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना और नीचे आना। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम लास्ट में सेट वॉलपेपर से, आपको जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगे फोटोज पर आप क्लिक करके अपनी गैलरी के फोटोज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी गैलरी में इसमें फोटोज नहीं है तो इस तरह से आ रहा है। तो जिन्हें यहाँ पर नो एल्बम है, गैलरी में फोटोज नहीं है, नया स्मार्टफोन है, यहाँ पर आप स्टैटिक वॉलपेपर्स पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर इतने वॉलपेपर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगता है वो वॉलपेपर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, ये वॉलपेपर अप्लाई कर लेता हूँ। जो भी आपको वॉलपेपर अच्छा लगता है यहाँ पर आप सेट होम स्क्रीन वॉलपेपर कर सकते हैं। सेट एस बॉट करेंगे ना तो लॉक स्क्रीन पर भी वही रहेगा वॉलपेपर, होम स्क्रीन पर वही रहेगा। आप यहाँ पर इस वॉलपेपर को आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर करना चाहते हैं तो सेट एस पर क्लिक करके ऊपर वाले फीचर पर आपको क्लिक करना है, सेट
एस लॉक स्क्रीन वॉलपेपर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं वॉलपेपर तो इस पर क्लिक करके सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, सेट एस होम स्क्रीन वॉलपेपर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो होम स्क्रीन वाला ये वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। आगे बढ़कर बात करते हैं 20 फीचर की, क्या करेंगे वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में अगर आपको उसी मतलब यहाँ पर आना है नीचे साउंड एंड वाइब्रेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो और आपको आना नीचे यहाँ पर वॉल्यूम बटन फंक्शन है ना, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। रिंगटोन वॉल्यूम आप कर सकते हैं या तो मीडिया वॉल्यूम कर सकते हैं। आप रिंगटोन वॉल्यूम किया ना तो आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक किया तो डायरेक्ट रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है, यहाँ आप मतलब मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है। यहाँ पर रिंगटोन वॉल्यूम किया ना तो आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक किया तो डायरेक्ट रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर मैं कहूँ तो आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना है, क्योंकि अगर आपको स्मार्टफोन साइलेंट करना है तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके वॉल्यूम मैनेज बटन पर इस तरह से आप यहाँ पर अपने स्मार्टफोन को साइलेंट भी कर सकते हैं और जैसा अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर लेना। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 21 फीचर की, तो क्या करेंगे वापस से जाएंगे सेटिंग में और आपके यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है। आने के बाद और नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद ये जो सारे साउंड आपको दिख रहे हैं ना सबको ऑफ करना है। ऑफ करना है, ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज़्यादा देगी। कैसे आपको बता देता हूँ, आप इनको ऑन करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, टच करने के बाद वगैरह वगैरह आपके स्पीकर से साउंड आता है। इनको ऑफ ऑफ कर और साउंड भी आता है, साथ में बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होता है। अगर आप इनको ऑफ करेंगे तो आपका वाइब्रेट मशीन भी बंद रहेगी, स्पीकर भी बंद रहेगा, तो एक्स्ट्रा बैटरी आपकी कंज्यूम नहीं होती है, आपकी बैटरी ज़्यादा बैकअप देती है। 22 फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो कि आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना है तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाना है, नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। इस तरह से दूसरा एप्लीकेशन कोई भी यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह से दो दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप कर लेना और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हैं इस तरह से क्लिक करके। तो चलिए दो दो एप्लीकेशन आप एक ही फोन में यूज कर लेना। 23 फीचर की बात करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप दो एप्लीकेशन के बीच में मतलब दो एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, एक है क्रोम एक है मैसेंजर, इस तरह से दो एप्लीकेशन में आप काम कर लेना तो आपको क्या करना है, वापस जाना है इस क्रोम में तो इस मेनू बटन पर डबल क्लिक कर देना। इस तरह से डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आएंगे, वापस से डबल क्लिक करके उस एप्लीकेशन में जाएंगे। इस तरह से आप डबल क्लिक करके मेनू बटन पर दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। 24 फीचर की बात करने के लिए, यहां पर मेनू बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर कोई भी मतलब आपको क्लोज ऑल करने की आदत है, यहां पर ना आप मान लो कि क्रोम में कोई भी काम चला, इंपॉर्टेंट काम चला तो थोड़ी देर के लिए बैग आकर आप रखें तो यहां पर आपको टू डॉट पर क्लिक कर लेना है, लॉक कर लेना है। यहां से इस तरह से लॉक करेंगे तो क्लोज ऑल करने के बाद में जो एप्लीकेशन को आपने लॉक किया था वो रहेगा। वापस इसको अनलॉक करने के लिए टू डॉट पर क्लिक करिए, अनलॉक पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहां पर क्लोज ऑल करने के बाद वो एप्लीकेशन चला जाएगा। इस तरह से आप यहां पर कर सकते हैं। 25 फीचर की बात करने के लिए, मेनू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यार आपका रैम कितना अवेलेबल बचा है नहीं दिख रहा है। क्लोज ऑल पर यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर डिस्प्ले रैम मेमोरी इन्फॉर्मेशन फॉर रिसेंट टास्क आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट टास्क इग्नोर करते वक्त आपका रैम कितना अवेलेबल बचा है यहाँ पर बता देगा। आगे बढ़कर बात करते हैं 26 फीचर की, तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट कैसे लिए मैं बताता हूँ। थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। तो चलिए इस तरह से आप पहली बार करेंगे तो इस तरह से आएगा, क्लोज कर देना है। उसके बाद से जब भी आप थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से आपको प्रेस कर देना तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए जाएंगे, यहाँ पर हम एरोप्लेन मोड से लेकर हमको चाहिए रियलमी लैब तक लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे। थ्री फिंगर को भी यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लेकर आएंगे, थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पर आपको इस पर जल्दी क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके और नीचे आना, लेकर आना है रियलमी लैब तक चाहिए हमको तो यहाँ पर आना है नीचे रियलमी लैब रहा यहाँ तक आपको लेकर यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम डन पर हम क्लिक करेंगे इस तरह से तो यहाँ पर ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अगर आपको ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए मतलब ये भी सेव हो चुका है गैलरी में, इस तरह से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी रियलमी C21 स्मार्टफोन में। आगे बढ़कर बात करते हैं अभी 27 फीचर की, वापस से क्या करेंगे हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा और डू नॉट डिस्टर्ब, आप इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इनेबल ना हो ये कब करना है आपको बता देना। अगर आप मान लो कि मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं तो यहाँ पर इसको इनेबल ना करना है। इनेबल लॉन्ग करके आप मीटिंग में जाना, आपको कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगा। अगर आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल्स पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। आपका मीटिंग स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम लगा लेना, रिपीट पर आप डेली डे बाय डे वो भी सेलेक्ट कर लेना, डन पर क्लिक कर देना। आपकी मीटिंग के टाइम ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, आपकी मीटिंग के टाइम खत्म होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं।
28 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर दिखता होगा और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर लेना है। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड माय डिवाइस आपको दिख रहा होगा, ये अगर ऑफ है तो ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अगर आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो ईमेल आईडी से आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे। बात करते हैं 29 फीचर की, तो यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आकर आपको यहाँ पर उसी प्राइवेसी सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा ऐप लॉक, ऐप लॉक पर क्लिक करके सेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट करके इस तरह से ऐप लॉक रख सकते हैं। तो चलिए मैं ऐप लॉक रख के आपको बताता हूँ। यहाँ पर हाई डाल देना, कुछ भी आप डाल देना। तो उसके बाद यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को अपने लॉक रखना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके इसको लॉक कर लेना। अब यहाँ पर वो एप्लीकेशन हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो इस तरह से लॉक पूछेगा, आप रख सकते हैं। 30 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी प्राइवेसी सेटिंग में आकर और यहाँ पर आपको दिखता होगा प्राइवेट सेफ, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर है ना, आप कोई भी पासवर्ड सेट करके यहाँ पर अपना डेटा, इंपॉर्टेंट जो डेटा है आपका, वो भी यहाँ पर आप छुपा कर रख सकते हैं। डेटा, फोटोज, वीडियोस वगैरह सब कुछ तो है, फैमिली डेटा वगैरह, तो यहाँ पर आप छुपा कर उसको रख भी सकते हैं। 31 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे वापस, तो ये रहा पार्ट वन। आपको इस पार्ट वन में 30 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, 13 फीचर्स बता दिया। पार्ट टू का इंतजार करना, पार्ट टू में आपको मैं 30 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, 13 फीचर्स बता दूंगा। अगर ये वीडियो अपलोड होने के 3-4 दिन बाद आप देख रहे हैं ये वीडियो को, तो आपको पार्ट टू की भी वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पर भी आपको पार्ट टू दिख रहा है।